नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ पारुल और इस वक्त बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। अगले मुख्यमंत्री होंगे तीरथ सिंह उत्तराखंड, जहाँ सियासत एक बार फिर पलटी है। लेकिन तीरथ ही भाजपा के नए सारथी होंगे, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले दिनों आपने घटनाक्रम देखा हो अगर उत्तराखंड का, क्या किस तरह की उथल पुथल हुई और मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतें, काफी विवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत 8वें सीएम थे और जो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर सके, और अब जो नए सीएम बने हैं तीरथ सिंह, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला हो गया है। 3-4 दिन तक ये पूरा सियासी ड्रामा उत्तराखंड में चला, जिसके बाद तीरथ सिंह को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। पौड़ी लोकसभा से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। और कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो यूके यानी उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब नए सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत चुन लिए गए हैं। विधायक दल की बैठक में निर्विरोध उनका नाम चुन लिया गया है। तीरथ सिंह रावत 2013 से 2015 तक उत्तराखंड भाजपा के चीफ रहे थे। इससे पहले चौबटखल विधानसभा में 2012 से 2017 के समय पर जीत दर्ज की थी। वर्तमान में वो भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी हैं। उनका जन्म पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। और इस मामले को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। रत्नाकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे न्यूज एडिटर रत्नाकर त्रिपाठी सर। रत्नाकर सर, उत्तराखंड एक ऐसा ड्रामा यहाँ पर हमने देखा, जहाँ ये कह सकते हैं कि बहुत नया नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि अमूमन मुख्यमंत्री जो है पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते हैं। और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया, वो 8वें सीएम है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी से एक नया नाम तीरथ सिंह रावत, कैसे देखते हैं? रत्नाकर सर, आवाज मिल रही है आपको? रत्नाकर सर, आवाज मिल रही है आपको? अब आ रही है। जी, सवाल सुना सर आपने? नहीं, यही पूछना चाहूंगी सर, कैसे देखते हैं सियासी घटनाक्रम को, ये उठा पटक जो उत्तराखंड में चल रही है? हमने देखा अब उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे अब उन्हें, त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जो 8वें ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, और अब नया नाम तीरथ सिंह रावत, कैसे देखते हैं इस खबर को? रत्नाकर सर को आवाज मिल रही? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी आवाज, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, लेकिन ये भी सच है कि कल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे रहे थे, उनका 4 साल का कार्यकाल वो सीएम पद पर पूरा कर चुके थे। अब ये कह सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत 1 साल के लिए फिलहाल मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सांसद हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी में। तीरथ सिंह रावत जिसे नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है विधायक दल की बैठक में, नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे। शाम 4 बजे शपथ लेंगे विधायक दल की बैठक में, उनका नाम चुन लिया गया है। एक बार फिर से रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज एड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रत्नाकर सर, कैसे देखते हैं आप उत्तराखंड की सियासत को? उत्तराखंड में जो कुछ कल हुआ वो चौंका देने वाला नहीं था। पिछले काफी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली से पार्टी खासतौर से संघ नाखुश है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए थे जिनसे उत्तराखंड की जनता में एक वर्ग विशेष में खासतौर से नाराजगी थी।
लेकिन चौंकाने वाली बात तीरथ सिंह रावत का नाम है, क्योंकि कल तक अलग अलग लोगों के कयास लगाए जा रहे थे, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी शायद कि विधायक दल से बाहर सांसद तीरथ सिंह रावत को इस पद के लिए आगे लाया जाएगा। लेकिन एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि तीरथ सिंह त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हालांकि संघ के परिवेश के बताए जाते थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत जो है इस मामले में और ज्यादा हम उन्हें रिफाइंड कह सकते हैं, वो और ज्यादा परिष्कृत हैं, वो प्रचारक रह चुके हैं संघ के, उन्होंने बीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का इसके लिए काम किया है, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक हुआ करते थे तब वो विधान परिषद के मेंबर रह चुके हैं, उत्तराखंड में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, तो उनका एक पुराना अनुभव है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की त्रिवेंद्र सिंह रावत एक संघ से जुड़ी संघ की परिवेश के व्यक्ति होने के नाते बावजूद जिन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, फिर वो चाहे पार्टी हो चाहे उत्तराखंड, क्योंकि धार्मिक मामला बहुत सेंसिटिव रहता है, वहां उन्होंने बोर्ड बना के जो चार धाम रहते हैं उनसे जुड़े लोगों को नाराज कर दिया, तो इस तरीके की जो चीजें थी, जहां ये माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को आगे लाए जाने से उन सबको साधे रखने में आसानी होगी, पर ये लगभग लग रहा था कि अगर एक साल और ही अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, जो उत्तराखंड में पहाड़ के हिसाब से बड़ा एक अजूबा अपने आप में घटना होती, जैसा आपने बताया कि आज मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, तो जब त्रिवेंद्र सिंह रावत इन सारी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे, उनके खिलाफ यहाँ तक कि भाजपा के जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी वो तक कोर्ट में चले गए थे उनके फैसलों के खिलाफ में, इन सारी चीजों के चलते चलो लगता फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी जानकारी देने के लिए। तो ये कोई अचानक से कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की खबरें उत्तराखंड से निकल कर आ रही थी, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत चार साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, लेकिन पूरा कार्यकाल जो पांच साल का होता है वो नहीं कर पाए, और वो ऐसे आठवें मुख्यमंत्री हैं जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तो बने लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।